लो जी, चेक करो थे ये फूलों को कलर। और ये फूल जी देख रहे हो थे, डार्क रेड कलर का रोइडा का फूल है। अब देखोगे यार संदीप भीम, के मोटी बात है भाई, रोइडा का फूल तो लाल कलर का ही हुआ है। तो मैं मेरा दर्शक का नाम बता दूं, मैं रोइडा का फूल है जी का, लाल कलर का को नहीं, रोइडा का फूल है। तीन कलर में हुआ है, एक रेड, एक पीला और एक लाल पीला, ठीक है। तो वो पहले रोइडा का बुंटो चेक करो, फिर मैं था रोइडा का बुंटो चेक करा दूँ, इनका फूल चेक करो भी, ये लाल रंग का फूल है। यानी कि वो पौधों थाने बहुत ही कम देखने में मिलेगा ई कलर को, और ई कलर का पौधा नहीं, मैं थाने एक बार चिड़ी बैठी दिखाऊँ थाने, जो समझ में आवा थर जूम कर गए। आई फूला का मऊ रस काट के पीन लाग रही है, तो ई फूल का मई तो भयंकर रस हुआ है कि अगर जो आप गर्मियों के टाइम में, तो गुलकंद को नाम तो सारा ही सुने भी, आप गर्मियों के टाइम में क्या है कि गुलकंद ने यूज करे करा ताकि गर्मी ना लागे, और ई पौधे का अगर जो आप गुलकंद बना लिया नहीं तो टू इन वन में काम करेगा। एक तो क्या है कि बंदो अगर जो लिया नहीं तो बंदे के लिए मतलब आदमी के लिए बहुत लाभदायक है, और एक गर्मी है जिसकी शरीर की बा कम मजे है। तो इनकी जिकी बनाने को जिको तरीको नहीं वो लगभग मैं थाने बता सकूँ, और बाकी जिको गुलाब का फूल है और वो गुलकंद, गुलाब को गुलकंद बनाने को तरीका नहीं, सेम वो ही तरीको इनको बनाने को तरीको, इनको एक्स्ट्रा तरीको को नहीं। लेकिन में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा तरीको है, जिया ही इनका जिका फूल है नहीं, ये थाने तोड़ गए और छिया में सुखाना पड़ेगा, छिया में सुखा गए नीचू कौन चकना, जिया देखो देख ला रहे हो नहीं, नीचे बढ़िया ये नीचू कौन चकना, डायरेक्ट थाने ऊपर तोड़ना है पाकड़ो फूल है, और ऊपर तोड़ गया छिया में सुखा गए, और भी बाद में जी आप साधारण गुलकंद बनावा नहीं, गुलाब के फूल ला लो भी तकनीक ही इनको गुलकंद बनाना है, ठीक है। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं रस्ता मो पेड़ दिख गया, मैं हमेशा भी जितनी बार भी मैं इन्हें जाऊँ मन मैं मतलब नहीं रखूँ, क्योंकि ऋतु का क्या है कि फूल लागता रहेगा। तो और रेड फूल को मैंने आज पहली बार इन्हें दिखे अपने पड़ोस में अपने नज़दीक में, तो आप इनका फूल तोड़ांगा और आप इनको गुलकंद भी बनावांगा, और सारी प्रक्रिया मैं तुम दिखाऊंगा। तो आज तो मैं इतो ही तुम दिखा रहा हूँ, मुझे ईशो को ही थाना बुंटो नजर में आ जाए। तो अब मौके का फूल है, झड़ लाग रहे नीचे, तो फूल आपने चुग लियो या ऊपर तोड़ लियो, जिया थाना उचित हो, ऊपर तोड़ोगा तो इनको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, नीचे पड़ जाए बाद में इनके रस है वो लगभग इनको मतलब खराब हो जाए, नीचे पड़े हूँ फूल की क्वालिटी है बा खत्म हो जाए। तो गर्मियों में गर्मी ना वह बीका सुल कैप्सूल इत्यादि आप लेवाइया, तो वो गुलकंद के है कि बनाने खातर बहुत बेस्ट चीज़ है, और मैं थाने गुलकंद बना के बताऊँगा, और जिक्के दिन इनका फूल तोड़ूँ आज मतलब चुग लूँगा शाम में वापस आने तो आखी, और आगे की सारी प्रक्रिया मैं थाने मेरे फेसबुक पेज एग्रीकल्चर फार्मर पर दिखाता रहूँगा। तो थे जुड़िया रहो और ज़्यादा जानकारी खातर, और अगर थाना इनको गुलकंद बनाने को तरीको है ध्यान में तो थे कमेंट में पूरी प्रक्रिया बता सको, ताकि उसका मेल हम कोई कमी हुआ तो भी सुधार हो जाएगी, और भाइयों को भी मदद मिल जाएगी। तो जगह जगह भाई ने रोइडा के फूल को गुलकंद बनाना है वो कमेंट में बता दी होगा।